आज सुनते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा एवं आरती। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। यह कथा सुनने से दुख शोक आदि को दूर करने वाला है, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला है। प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैसीरण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन पांचित फल मिले, ऐसा कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है, अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। एक समय योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के कारण से निश्चय ही इनके दुख का नाश हो सकेगा। नारद ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और चार भुजा वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपका मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य को अनेक योनियों में पैदा हुआ है, अपने कर्मों के द्वारा उनके प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से ही कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ, सुनो, बहुत पुण्य देने वाला है। स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बतलाइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थान पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के शाम के समय ब्राह्मणों और बांधवों के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नवेद केले का खम्भ घी दूध और गेहूं के चूर्ण सवाया लवे, गेहूं के अभाव में साठी के चूरण शक्कर तथा
गुड़ ले आए और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं समेत ब्राह्मणों को भोजन करवावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करके नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष कर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। तो एक बार बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका वृतांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे वृप, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको अभ्यास करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को भी नींद न आई, वह सवेरे के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा, सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा, वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमने कहा, हे वृप, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब वह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयारी हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को आया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे ही सुंदर नगर में गया।
उस दिन वहाँ पर बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 6 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत को कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चल गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तो एक बार बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवर्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान से सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहां साधु नामक एक वर्ष्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वर्ष्य नाम को नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय पूर्वक पूछा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे भी समझाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बतलाइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुन व्यापार से निप्त हो वह वैसे सुख पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह पढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वर्षे ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को विश्वास दे वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती हुई पुत्री को खेलते देखा तो उसने उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के कोई सुंदर पर देखकर लाए। दूत साधु नामक वैश्य आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखा भालकर वैश्य की कन्या के लिए एक श्रृंगे वनिक पुत्र ले आया। उस सुंदर लड़के के साथ साधु नामक वर्षे ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने
वर्ष को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा और फिर अपने कार्यों में कुशल हुआ वर्ष अपने दामाद सहित नाव पर बेरा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्न सारनपुर नगर में गया। रत्न सारनपुर चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूत को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा को धन को वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया। वहां से ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूत ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उस ससुर दामाद को ही चोर समझा। वे उन ससुर दामाद को दोनों को बांधकर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाला ये दोनों चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाला दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कालावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कालावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कालावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुन कालावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की, हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई तो हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संपन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वर्षों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अतिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु के दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिक को आज्ञा दी कि दोनों वैश्य को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महामुने भावो, तुम्हें अज्ञानता वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनकी जितना धन लिया था उसको दोगुना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वर्षे अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। अनेक थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमान वनिक
हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वैश्य ने ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रियाओं से निपुण होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल के पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छित खुलने पर अति शोक करने लगा। अब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वह वैसे दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने तो आपसे अत्यंत वचन कहे थे, उनके लिए मुझे क्षमा करे। ऐसा कहकर वह शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे दुख कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। तब वह अपने नगर के निकट पहुंचा, तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने जय माता सहित इस नगर में समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती इस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कालावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कालावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य द्रवित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करे। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैसे, तेरी पुत्री तेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसे इसका पति अभ्यास मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कालावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्व रूप में पाकर वह अति प्रसन्न हुई तथा उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित तृंगध्वज नाम का एक राजा था।
उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में अन्य पशुओं को मारकर बर के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी की पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान के कारण न तो वहां गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद छोड़कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और लंबे समय तक सुख भोग कर मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन्य धान्य की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी और बंदी बांधवों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है। अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा कर वैकुंठ प्राप्त किया। उल्का मुख नामक महाराज राजा दशरथ बने और श्री रघुनाथ का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को ओर से चीर कर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराज त्रुम ध्वज और स्वयं भू मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करवाकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। लकड़हारा अगले जन्म में ग्री नामक निषाद राजा बना, जिसने राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को सवार लिया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। तो एक बार बोलिए प्रेम से, भगवान श्री सत्यनारायण की जय। आरती श्री सत्यनारायण जी की। जय लक्ष्मी रमिना, श्री जय लक्ष्मी रमिना, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरिना। जय लक्ष्मी रमिना, रत्न जरित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमिना, प्रगट भए कलिकारणी, दिज को दर्श दियो स्वामी, दिज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमिना, दुर्लभ भील कठारो, इन पर कृपा करी स्वामी, इन पर कृपा करी, चंद चूर एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमिना, वैश्य मनोरथ पायो, सरदा तज दिन्नी स्वामी, सरदा तज दिन्नी, सौ फल भोग प्रभु जी, फिर अस्तुति किन्नी। ओम जय लक्ष्मी रमिना, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो स्वामी, छिन छिन रूप धरियो, सरिधा धारण किन्नी, स
सरिधा धारण किन्ही तिनको काज सयो। ओम जय लक्ष्मी रमिना ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी स्वामी बन में भक्ति करी मन बांछित फल दिन्हो दीन दयाल हरी। जय लक्ष्मी रमिना चढ़त प्रसाद सबाय कदली फल में बा स्वामी कदली फल में बा। धूप दीप तुलसी से राजी सती देवा। ओम जय लक्ष्मी रमिना श्री सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमिना स्वामी जय लक्ष्मी रमिना श्री सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। सर्व देवी देवताओं की जय।